नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सुरक्षित होंगे वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी पशुपालक भाई और युवा साथी हमारे चैनल को पहली बार देख पा रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही में पहले किन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब पशुपालक भाइयों को मिल सके तो वीडियो के माध्यम से अच्छी और बेहतरीन किस्म का पशुधन दिखाने का प्रयास उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का पशुधन है एक बार फिर से आप सब पशुपालक भाइयों के सामने डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का एक गांव है लाला लाला रोड़ाई के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ पे मैं आया हूँ आज आप सब पशुपालक भाइयों के सामने दो जो हीफर्स हैं वो लेके आया हूँ प्लस में एक जो दूध वाली भैंस आप यहाँ पे देख सकते हैं वो लेकर के आया हूँ और जो शख्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अजीत सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं अच्छी और बेहतरीन किस्म का पशुधन हर बार हमारे पशुपालक भाइयों को दिया है सोशल मीडिया के जाने माने चेहरे में इनको कहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर भी इनकी वीडियो हर बार हमें देखने को मिलती है तो लास्ट वीडियो एक मैंने कवर करने का मौका मिला था वो पशुधन का सेल हो चुका है फिर से तीन पशुधन के डेयरी फार्म से आए हैं मिलवाना चाहूंगा अजीत सर से जानेंगे डिटेल्स नमस्कार अजीत सर नमस्कार भाई भाई हमारे फार्म आने से पहले आपका बहुत 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 जी जी शुक्रिया सर कैसे हो आप बढ़िया सर तो कितने तीन पशुधन दिखाएंगे आ, दो, फिर है, एक दो ही फर है एक भैंस है तो कहाँ पड़ोस के गांव से लेके आते हो या फील्ड में काफी समय के बाद पशुधन दिखाते हो पशुधन मिलना चाहिए भाई कहीं मिल जाए जी 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 सौ किलोमीटर चाहे डेढ़ सौ चाहे पचास किलोमीटर में तो पशुधन तो सिर्फ आपका पशुपालन का काम है खेती बाड़ी, आ, खेती बाड़ी और इसके अलावा कुछ नहीं ये, ये आप देख सकते हैं युवा पशुपालक पालक है सिर्फ और सिर्फ पशुधन रखते हैं खेती बाड़ी के साथ साथ जो काम करते हैं वो सिर्फ क्योंकि कुछ लोगों का व्यवसाय है सिर्फ और सिर्फ पशुधन जिसके सारे न सिर्फ परिवार का भरण पोषण होता है बल्कि जो गुजारा है जो गुजर बसर है परिवार की वो भी पशुधन के सारे ही होती है तो सर क्या कुछ डिटेल से शुरू करेंगे यहाँ से बताएं एक बार तीसरे बताई है धनी ने तीसरे व्यात में जहाँ से लेके आए ठीक है अपने फार्म पे जी ठीक है सात दिन की ब्याई है सात दिन की ब्याई है जी ठीक है और फिलहाल मौके पे बारह से साढ़े बारह लीटर देखिए तीसरे ब्यात का पशुधन जहाँ से लेकर के आए हैं उन्होंने बताया है होने को चौथा भी हो सकता है और एक हफ्ते की ब्याई के नीचे फीमेल का आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूछ है नाम मात्र के सफेद बाल पूछ में मैं दिखाना चाहूंगा ये आप देख सकते हैं और 12 लीटर दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं बाकी पशुधन थोड़ा सा मैं इसके लिए नया जरूर हूँ ओपरा कर रही है चेहरा मोरा सींग आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अडर की क्वालिटी है मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा ये अडर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार अडर है और फोली चुआई बता रहे हैं जो वेंस हैं अडर में साफ साफ इशारा कर रही हैं कि एक दुधारू मुर्रा क्या पशुधन है तो 12 लीटर सर अभी तैयार है क्या कुछ दूध जब पीक पे आएगी तो कितना और बढ़ा देगी लगभग भाई सत्रह अठारह लीटर की उम्मीद है सत्रह अठारह की उम्मीद है भगवान जाने दे बीस भी कर तीस भी कर सकती है संदीप भाई जी 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 सत्रह भी रह सकती है सोलह रह सकती है ये आप देख सकते हैं जो बहुत कुछ है जो लग पे डिपेंड करता है अगर पशुधन को हम लेके जाएं तो जैसे ही हम केयर करेंगे वैसे ही दूध निकलने तो जो अडर है अडर एकदम देख सकते हैं बीच का जोशीला अडर यहाँ पे हाइट लाइन फिट पुटा अच्छा खासा इसके लिए मैं थोड़ा सा नया हूँ इसी वजह से ऐसा कर रही है तो अजीत सर एक बार इसको खोल के थोड़ा सा जरूर चला के दिखाएं जो व्यक्तित्व है पशुधन का मैं जरूर दिखाना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से ताकि जो दूर दराज के क्षेत्र से जो पशुपालक भाई हैं वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ आने से पहले अच्छी तरह से पशुधन को देख ले जांच ले परख ले उसके बाद ही जो अपना जो फैसला है वो ले जो ऑर्डर की क्वालिटी है ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा भारी भर का ऑर्डर है और थर्ड लैक्टेशन का पशुधन है तो नहीं बाहर नहीं ले जाने की ज़रूरत कोई बात नहीं एक बार बांध दो आप ठीक है हाइट लेंथ पिटपुट्ठा अच्छा खासा पूछ में ज़रूर यहाँ पे सफ़ेद बाल हैं बाकी चेहरा मोरा सुंदरता अच्छी खासी है थर्ड लैक्टेशन का पशुधन है बारह लीटर दूध मौके पर तैयार बता रहे हैं तो चुआई वगैरह सर कैसी है नरम है बिल्कुल बिल्कुल फोली बिल्कुल बिल्कुल चुआई है हाँ। ये आप देख सकते हैं फोली चुआई का पशुधन है और जो फीमेल काफ जिसको जन्म दिया है वो किसी काफ की सॉरी सीमन की है या किसी बुल से इसको क्रॉस करा रहे हैं नहीं ये है। सीमन की? सरकारी ठीक है और रेट वगैरह क्या कुछ रखेंगे एक बार वो और बताए एक लाख पच्चीस हजार रूपए तो फिक्स प्राइस है या कम ज्यादा हो सकता थोड़ा बहुत हो जाएगा ये आप देख सकते हैं काफी सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड रहती है कि वीडियो के माध्यम से जो रेट है उसको जरूर जानने की कोशिश करें तो एक लाख पच्चीस हजार रूपए इसकी कॉस्ट रखी है प्लस में दो हीफर और हैं एक इनकी डिटेल्स और जानना चाहूंगा सर शुरू करेंगे यहाँ से बताएं एक बार क्या कुछ डिटेल्स है चौदह महीने की हीफर है जी ठीक है की है चौदह महीने की एज है और एच एल डी भी सीमन की बता रहे हैं ठीक है माँ का दूध क्या कुछ का है सत्रह लीटर सत्रह लीटर ठीक है तो ये आप देख सकते हैं शरीर की जरूर कमजोर है क्योंकि जहाँ से लेके आए हैं फार्म अच्छा कल ही आई है ये। तो जहाँ से लेके आए हैं वहाँ पे थोड़ा सा देख रेख का सिस्टम कम ही था तो केयर ना होने की वजह से जो पशुधन है कई बार थोड़ा दुबला पतला रह जाता है उसी की तर्ज पे आप देख सकते हैं जो पशुधन है चौदह महीने की एज है कटड़ी की और थोड़ी सी कमजोर है बाकी हाइट वाइट काफी अच्छी खासी हाइट लेंथ पीट पुठा हाँ, और ठंड पासे अगर मैं दिखाना चाहूँ ये आप देख सकते हैं हालांकि एक पांचवा थन भी है नहीं पाँचवा साफ बिल्कुल साफ सुंदर जो थंड है अच्छा खासा जो टीट स्पेसिंग का जो गैप अपने समय पे आएगी तो अच्छी खास टीट्स यहाँ पे विद स्पेसिंग देखने को मिलेंगे माथा आप यहाँ पे देख सकते हैं चेहरा मोरा काफ़ी सुंदर सिंगों की क्वालिटी आप देख सकते हैं छोटे से छोटा सिंग है तो रेट वगैरह सर क्या कुछ रखेंगे बाईस हजार रुपये ठीक है और एक और कटड़ी है ये आप देख सकते हैं जो खड़ा होने का तौर तरीका जो रोब है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ डिटेल्स है एक बार वो बताएं संदीप भाई ये बारह मंथ की हो गई बारह महीने की ठीक है अपने फार्म पे आई है ठीक है अपने दोस्त के पास से आई है ठीक है कोहिन की कटिया है कोहि नूर की ठीक है इसकी माँ ने फर्स्ट टाइम में पंद्रह के जी दूध दिया हुआ है माँ ने फर्स्ट टाइम में पंद्रह के जी दूध देखिए कोहिनूर की है कोहिनूर की हाँ, जो फीमेल काफ है वो बता रहे हैं और हाइट लेंथ ये आप देख सकते हैं एक साल की एज है बारह जी और पीठ पुठा काफी अच्छा खासा काफी तंदुरुस्त हाइट लेंथ में ये आप देख सकते हैं बाकी सींग जरूर सर थोड़े से खुले हुए जाएंगे क्योंकि दिख रहे हैं जी हो सकता भिल्कुल है, है माँ पे गई हो क्योंकि मदर का भी सिस्टम कई बार हो जाता है माँ के सींग बड़े होंगे तो बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे बाकी चेहरा मोरा बिल्कुल स्वभाव है काफी शानदार और जो टिट स्पेसिंग है एक बार रुक जाओ मैं देख लूंगा ये आप देख सकते हैं दिखाना चाहूँ बिल्कुल अच्छे खासे जो टिट स्पेसिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी तो सर क्या कुछ रेट वगैरह रखेंगे इसका इसके बाईस हज़ार रुपये इसके भी बाईस हजार हाँ। तो बाईस बाईस हजार की दोनों जो हीफर्स हैं वो सर जो है अपने घर से बेचना पसंद करेंगे प्लस में जो पशुधन हैं एक लाख पच्चीस हजार रुपये जो बफलो है थर्ड टाइमर उसकी कॉस्ट रखी है तो तीनों पशुधन सेल के लिए अवेलेबल हैं अजीत सर और कोई जानकारी वीडियो के माध्यम से क्योंकि आप तो आ, अच्छा खासा पशुधन हमारे पशुपालक भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एक बार वो बताएं सर जी ये कह रहे अच्छा अच्छा पशु ले आए बताए लेकिन प्रयोग करें ठीक है जी ये अच्छा अच्छा कहना चाहेंगे तो कितने टाइम से ये काम कर रहे हो आप सर ये तो अपने पापा करता है अब हम भी बीस साल से कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हम हाँ, कह सकते हैं ठीक है डेयरी अपनी रेवाड़ी में अच्छा रेवाड़ी में डेयरी भी कर रखी है तो किस नाम से है फार्म से है जी। अच्छा। तो वहाँ पे आ, मतलब परिवार ही संभालते हैं क्या, क्या भाव जाता है सत्तर रूपए लीटर ये आप देख सकते हैं तो कुछ पशुपालक भाई कहते हैं कि घाटे का सौदा है पशुधन या फिर कहते हैं बचत नहीं होती तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपने तो डेयरी करी हुई अच्छा खासा अनुभव है

सत्तर रूपए लीटर के हिसाब से अच्छी खासी लागत से आप पैसा कमा सकते हो क्योंकि जो फीड है पशुधन को देते हो और फीड के बाद जो पशुधन दूध देता है उससे अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलता है भाई काम तो करना पड़ेगा के लिए बिल्कुल सर देखिए जी और आम काम नहीं करे जी जी तो पंद्रह लीटर वाले बारह लीटर दूध निकालेगी बिल्कुल 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 तो शाम तक में चलिए सही बात है वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे अक्सर की पशु के साथ पशु होना पड़ता है तब जा के काम चलता है, एक अपना है अच्छा आपका YouTube चैनल भी? आ, जी बताए अजीत चौधरी डेयरी फार्म आ, के नाम से YouTube चैनल है मैं गुजारिश करना चाहूंगा देखिए युवा पशु पालक हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सिर्फ और सिर्फ अपना ही पशुधन दिखाना वहां पे पसंद करते हैं तो जितना सपोर्ट सर हमारे से रहेगा फुल सपोर्ट है आपको जितनी कोशिश रहेगी प्रमोट करने की कोई बात नहीं क्योंकि पशुधन दिखाने का काम आप कर रहे हो पशुधन दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं और अपनी तो तैयार कर रहे हैं भाई एक चीज और मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा जो एच का सीमन है सर ने अपने घर पे एम चार का जो जीता जागता उदाहरण जो बेटर रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखा करके ये आप देख सकते हैं चार महीने की एज है जेड ब्लैक टेल के साथ और ये आप देख सकते हैं काफी हष्टपुष्ट जो फीमेल काफ है वो तैयार करी हुई है तो सर माँ का दूध क्या कुछ है माँ का दूध अब ये थर्ड टाइम भी आई इसकी बाजी। तीसरे बैग में ठीक है बीस लीटर दूध है, 20 आ, है।, है पास। तो वो अपने पास ही है माँ अपने पास ही है और तो क्या कुछ आगे का जो प्लान है एक बार वो सर बताएंगे पालेंगे अच्छी ब्रीड आ, ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगा जरूर एक साधारण पशुपालक हैं लेकिन जो बड़े ब्रीडर्स हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके यहाँ भी पशुधन अजीत सर के यहाँ से जाते हैं मैंने एक दो बार मैं उनसे मिला भी हूँ तो न सिर्फ युवा पशुपालक बल्कि जो ब्रीडिंग का काम है वो भी करते हैं तो ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बोतल के सहारे जो आ, काफ है इसको अच्छा खासा दूध पिलाते हैं तो सिर्फ गाय का दूध पीती का है बता रहे थे आप कितना दूध पिलाते हो रोज पांच लीटर ढाई से अच्छा ढाई का सुबह ढाई लीटर शाम को तो इसके अलावा और फीड में क्या कुछ दे रहे हो आजकल और तो ये है हाँ बिनोले की खड़ा बिनोले की खड़ा खंड खंडा है खंडा है ये आप देख सकते हैं युवा पशुपालक हैं ये जानकारी एक रेफरेंसिक तौर पे पर ताकि जो और भी जो हमारे पशुपालक भाई हैं अच्छी और बेहतरीन किस्म का पशुधन अजीत सर की तरह तैयार कर सकें तो तीन पशुधन मैंने आपको दिखा है एक थर्ड टाइमर बफलो है दो हीफर्स हैं ये हीफर्स तो इनके जो नहीं नहीं, नहीं नहीं। हाँ नोट फॉर सेल है बिल्कुल और एक रेफरेंस के लिए दिखाई थी कि खरीद बेच का काम नहीं है अच्छी और बेहतरीन किस्म का जो होम ब्रीड है वो भी तैयार करते हैं तो अजीत सर एक बार जो संपर्क सूत्र है वो बताए चौरानवे एक सौ अड़सठ नब्बे पाँच सौ पंद्रह और एड्रेस क्या कुछ है अपना गांव लाला गांव लाला डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा जी हरियाणा प्रदेश नंबरदार अपना नाम है। जी अजीत नंबरदार सर के नाम से एक फेमस हस्ती सोशल मीडिया के जाने माने चेहरे तो तीन पशुधन मैंने इनको दिखाए उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किसान